आप सुन रहे हैं द 90's शो, द 90's शो विद अनु मलिक, सिर्फ बिग एफएम पर। बिग एफएम पर कर लो 90's में जाने की तैयारी, क्योंकि मध्यम मध्यम आग में लगाने आया हूँ चिंगारी। अबे मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी, यानी कि अनु मलिक की बारी। द 90's शो विद अनु मलिक, ओनली ऑन बिग एफएम। देखो भैया, यू तो मैं अपने शो में 90's की किस फिल्म की बात नहीं करता, किस फिल्म के गानों को याद नहीं करता, 90's के किस स्पॉटलाइट और मिसिंग पोस्टर का जिक्र नहीं करता। आपको नहीं लगता कि आज मैं कुछ ज्यादा ही किस बोल रहा हूँ? हाँ यार, मैंने जब शो शुरू किया, किस कितना किस बोला है। अरे भाई, बोलना पड़ता है, क्योंकि कल है 24 मार्च, यानी कि हमारे किसिंग बॉय सीरियल किसर इमरान हाशमी का किस डे। आई एम सॉरी यार, आई मीन नॉट किस डे, बर्थडे। तो गाना याद है, तुम है और क्या दे किसके सेवा, तुमको हमारी किसिंग लग जाए। अरे आई एम जस्ट जोकिंग इमरान, आई एम जस्ट जोकिंग। तो कल के लिए आज ये एडवांस में मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय फ्रेंड इमरान। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट इमरान हाशमी, और इमरान हाशमी ने कितनी फिल्में की हैं, लेकिन एक फिल्म सटासट दिमाग में याद आ जाती है। कौन सी? द सुपर ड्यूपर हिट ब्लॉकबस्टर मर्डर। क्या आपको पता है कि इस फिल्म में एक गाना था जिसे सईद कादरी को 15 दिन लगे लिखने में। वैसे सईद कादरी साहब तो इतने गुणी इंसान है कि 5 मिनट में गाना फटाफट लिख देते। इस गाने को लिखने के लिए उनको 15 दिन लगे। ये गाना लिखा सईद कादरी जी ने भीगे होंठ तेरे, 15 दिन के बाद मुखड़ा है। अब हुआ यूं कि सिचुएशन महेश भट्ट साहब ने दे दी कि मुझे एक जबरदस्त गाना चाहिए, सेंसलेस सॉन्ग, और आप लिख दो और अनु मलिक बना देगा इस गाने को। इतना कॉन्फिडेंस तो भट्ट साहब का मेरे पर बहुत है। ठीक है, सईद कादरी साहब ने लिखना शुरू किया, कुछ सोचा कलम रख दिया। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, भट्ट साहब का फोन आया। भाई सईद भाई, क्या हाल है? बोला बिल्कुल ठीक हूँ, गाना हो गया? बोला नहीं साहब, अभी तक नहीं हुआ। अरे 5 दिन हो गए यार, अभी तक मुखड़ा भी नहीं लिखा। कोई बात नहीं, कल तक लिख देना। जी हाँ, मैं लिख दूंगा। 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 11वां दिन आया और भट्ट साहब ने बोला, देखिए आज मेरा दिल कहता है आपने जबरदस्त मुखड़ा मुझे लिखा, सुनाइए फोन पर। सईद साहब चुप थे, बोले मैं क्या सुनाऊं आपको, मैंने तो गाना लिखा ही नहीं। भट्ट साहब थोड़े नाराज हुए, बोला यार सईद भाई, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता, इतने दिन हो गए आपने गाने का मुखड़ा नहीं लिखा, अंतरे लिखना बाकी है, चक्कर क्या है? और भट्ट साहब ने थोड़ा डांट दिया सईद कादरी साहब को। यहाँ भट्ट साहब ने अपना फोन नीचे रखा, और जैसे सईद भाई ने अपना फोन नीचे रखा, अचानक घंटी बजी, फोन की नहीं दरवाजे की। वो गए, दरवाजा खोला तो सामने कोई इंसान फूलों का गुलदस्ता लेके आया हुआ था, लाल रंग के गुलाब के फूल। जैसे अंदर उन्होंने उठाकर रखे तो क्या हुआ, अचानक सईद भाई की नजर गुलाब के फूल पर पड़ी, तो गुलाब के फूल पर पानी की बूंदे थी। ये जो बूंद थी ना पानी की, वो इस तरह थी जैसे मोती की तरह चमक रही हो। और अचानक उनके दिमाग में घंटी बजी, बोला यार मुखड़ा तो सामने है। और उसी वक्त उन्होंने कलम उठाया और गुलाब को देखकर और उस पानी की बूंद को गुलाब पर देखकर उन्होंने मुखड़ा लिखा, भीगे और तेरे प्यासा दिल मेरा। यस, इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, वो शायर हो, मौसिकार हो, एक्टर हो। और मैं अपने बाजे पर बैठा और मैंने, मुझे लगता नहीं है 15 मिनट लगे होंगे गाना बनाने को, 15-20 मिनट तक मुखड़ा अंतरा बना। और उसके बाद सामने कुणाल गांजा वाला मेरे दूसरे गाने की डबिंग कर रहा था, वहां से कुणाल को पकड़ा, मैंने कहा कुणाल तू गाना गा दे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। एक टॉवल पहनकर शूट कर रहे थे बैंकॉक में हमारे प्यारे इमरान, तो क्यों मच गया बैंकॉक में कोहराम। आपको वो सीन तो याद होगा जब इमरान और मलिका भीगे होंठ वाले गाने में एक बिल्डिंग के ऊपर सेमी न्यूड होते हैं। ये सीन शूट किया था बैंकॉक की एक 7th फ्लोर बिल्डिंग में, शूटिंग बालकनी में हो रही थी, इमरान ने ओनली टॉवल पहना था और बिल्डिंग के नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई थी थमाधम। उन्हें पता था कि ऊपर इसी फिल्म की शूटिंग चल रही है जहां एक हीरो सिर्फ टॉवल में है और उसके साथ है मलिका शरावत। अचानक भीड़ बढ़ने लगी और इमरान को केवल टॉवल पहने हीरोइन के साथ देखकर यह खबर फैल गई कि किसी फिल्म की नहीं बल्कि कोई अश्लील सीन शूट किया जा रहा है, यानी कोई एडल्ट फिल्म की शूटिंग हो रही है। बस फिर क्या था, बिल्डिंग अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शन लिया, शूटिंग बंद करवा दी। डायरेक्टर अनुराग बासु के होश उड़ गए, बोला यार ये क्या हो गया, मुझे शूट करना है, आई एम अंडर अ लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड बजट,
उन्होंने बिल्डिंग अथॉरिटी को समझाया कि यह एक गाना शूट हो रहा है और यह कोई एडल्ट फिल्म का नहीं हो रहा है, बल्कि एक नॉर्मल फिल्म की शूटिंग हो रही है। इसमें कोई अश्लीलपन नहीं दिखाया जाएगा, ये जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है वो हो रही है, बस एक इंटीमेट सीन है और कुछ भी नहीं। एक इंटीमेट सीन है सर, इसलिए प्लीज शूटिंग मत बंद करो। तब जाकर बिल्डिंग अथॉरिटी ने उन्हें कहा कि आप अर्ली मॉर्निंग शूट शुरू करके अर्ली इवनिंग पैक कर दो, तो क्राउड्स इतने नहीं आएंगे। देयर वाज नो अदर वे। एक तो मलिका शरावत, एक तो इमरान हाशमी उसमें किसिंग सीन्स, और उसके साथ अनु मलिक का गाना भीगे होंठ तेरे, तो आग तो लगनी थी ना, आग लग दिया। क्या बोलते हैं हम अनु मलिक सामने, होता आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अनुराग बासु एक सीन लिख रहे थे, फादर की डेथ का सीन। सीन लिखते लिखते उनकी आंखें भर आई, वो रोने लगे। उन्हें अचानक अपने फादर की याद आई। उनको ऐसा लगा कि अपने काम में वो इतने मसरूफ हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पिताजी को वक्त दिया नहीं। अचानक वो उठे, दूसरे कमरे में उनके फादर थे, वहां गए और अपने फादर को जोर के जकड़ लिया, पकड़ लिया और हग किया और छोड़ा नहीं। आधा एक घंटा बस अपने पिताजी के साथ रहे, वो अपने फादर के साथ रहे और रोते रहे। फादर भी हैरान हो गए कि इतना अचानक ये मेरे बेटे को क्या हुआ। उसके बाद उठे। मैं बताना चाहता हूं कि सीन लिखते जा रहे थे और सीन अधूरा छोड़ दिया, सीन अधूरा छोड़ के भागे। अपने फादर की उनको इतने याद आ गई, यार मैं कैसा इंसान हूं, कैसा बेटा हूं कि मैं आज फिल्म डायरेक्टर बन रहा हूं, मैं इतना काम में खो गया हूं, पिताजी के लिए वक्त नहीं है। और उन्होंने जाके दूसरे कमरे में फादर को हक किया और उनके साथ बैठे रहे, बैठे रहे। उसके बाद उठकर आए, फिर अपने कलम उठाया और उन्होंने सीन लिखा। अब सीन तो लिख दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों उसके बाद हुआ क्या। अब ये कोइंसिडेंट समझो या डेस्टिनी समझो या खेल डेस्टिनी का, अनुराग की आखिरी मुलाकात अपने फादर के साथ उस डेथ सीन को लिखते हुए हुई। कैन यू बिलीव इट, उनके फादर फिर अचानक दुनिया से चले गए। जितना उन्होंने उनको हक किया था, अनुराग बासु सोचने लगे, हाय मैं हर दिन हर पल अगर उनको इतना हक करता तो अच्छा होता, ये क्या हुआ। इसी वजह से आज तक अनुराग को लगता है कि काश शायद वो उस दिन वो सीन नहीं लिखते तो शायद ऐसा नहीं होता। उनके दिमाग में अजीब सी बात रहेगी कि मैं अपने ओन फादर के बारे में उनका डेथ सीन लिख रहा था। बट वेरी सैड इट हैपेंड। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती यार। बख्शी साहब ने बहुत जबरदस्त लाइन लिखी है और मैं अनुराग जी को कहना चाहता हूँ, ये आपका कसूर नहीं है। बख्शी अंकल की लाइन याद आती है, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। इसमें कोई शक नहीं है, उनका वक्त आ चुका था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अनुराग बासु, वी अंडरस्टैंड योर पेन। आज हैशटैग म्यूजिक वी लव का सॉन्ग है मर्डर, दिल को हजार बार रोका रोका रोका। ये गाना मैंने अलीशा से गवाया, सईद कादरी साहब लिखा हुआ है, सदाबहार गीत है और इसकी कहानी भी है। इसका ट्रिविया, गाना सुनाने से पहले ट्रिविया सुनाता हूँ जो मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैंने ये गाना बनाया, मैंने एक बहुत हाई स्केल में बनाया था, तो गाने के सुर इतने ऊंचे सुनकर अलीशा चिनाए घबरा गई, तो बोलने लगी कि ये थोड़ा ऊंचा है। मतलब प्रॉब्लम वाज व्हेन शी केम ऑन द सेट्स, गाना सुना तो उसको लगा कि यार ये गाना बहुत ऊंचा है, मैं नहीं गा पाऊंगी। और मैंने कहा कि नहीं, आपको इसी स्केल में गाना पड़ेगा। अभी कश्मकश हो रही थी, अचानक मेरे जहन में एक बात आई। मैं बोला नहीं, मैं बोला शी इज़ नॉट इन्जॉइंग द सॉन्ग। और मुझे मेरे फादर की बात याद आ गई, वो कहते थे जब सिंगर आपके सामने हो और वो कंफर्टेबल ना हो गाना गाने में, यानी कि वो गाना अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर मैं स्केल चेंज करूँ तो वील हैव टू रीराइट द सॉन्ग, नोटेशन पेपर वापस देने पड़ेंगे, म्यूजिशियंस अपनी की चेंज करेंगे। मैंने बोला नहीं, इफ माय सिंगर इज नॉट हैप्पी देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। इंटायर की चेंज किया, मसले के तौर पर अगर जी माइनर स्केल था तो उसको हम डी माइनर में लेके आए। पूरा सॉन्ग जो हमने एक ट्रैक लेके बैठा थे उसको हमने निकाल दिया और फिर से ये गाना किया। और अनुराग बासु स्टूड बाय मी एंड सेड, लेट्स डू इट द वे अनु मलिक वांट्स बिकॉज द सॉन्ग इज मोर इम्पोर्टेंट। और गाना फिर यहाँ से था, हम यहाँ थे, मैंने बोला थोड़ा फॉल्सेटो ले ले, और बहुत ऊंचा है। फिर मैंने क्या किया, ये स्केल किया और अलीशा को ये स्केल बहुत पसंद आया और फिर गाना हुआ, दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है यार यार प्यार है धोखा। ये स्केल में जब गाना रिकॉर्ड हुआ था, सीटियां बज गई थी सेट के ऊपर भी।
और अब टाइम है हमारे कॉन्टेस्ट मिसिंग पोस्टर का. मिसिंग मिसिंग पोस्टर पोस्टर. आज मिसिंग पोस्टर की हीरो वो हैं जिनके लिए मेरा पहला क्लू है, ये फिल्म मर्डर में बने थे मलिका शेरावत के हस्बैंड. और जलने को तैयार है 90's की स्पॉटलाइट. 90's की स्पॉटलाइट. आज 90's की ये स्पॉटलाइट पड़ेगी 90's के पॉपुलर एंटरटेनमेंट के मीडियम सर्कस पर. बस सर्कस के बारे में बात करें तो वो सर्कस के दिन याद आते हैं. वो वाइल्ड एनिमल 90's में जो हम देखते थे सर्कस में, क्या करतब दिखाते थे, माय गॉड. और आपको तो पता है वो रिंग मास्टर जो हंटर लेकर खड़ा रहता था, धाड़ धाड़ मारता था. जिस आदमी के हाथ में हंटर था उसे देखकर चुप हो जाते थे, जैसा वो कहता था वो करते थे. अक्सर हम फेस्टिवल्स में अपने फैमिलीज के साथ सर्कस देखने जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे टिकट्स के लिए, और जैसे टिकट मिलता था भागते थे टेंट के अंदर और अपने जाके सीट पर जाके बैठ जाते, जम जाते थे, बिल्कुल कुल्फी की तरह जमते थे यार, बैठ गए, मेरी सीट है, मेरी सीट है. और फिर जैसे लाइट्स डिम होती थी और टन 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 टन, ये सब म्यूजिक बजता था. और सडनली सामने से कोई जोकर आता था जो ऐसे करतब करता था, हंसा हंसा कर हम गिर जाते थे, या फिर कोई बंदर आपके पीछे से कूद कूद ही मारता था. इतने एक्साइट हो जाते थे हम लोग और चीखते थे चिल्लाते थे. और जब हम अंग्रेजी लड़कियों को जिमनास्ट करते हुए देखते थे, ओ माय गॉड क्या माहौल होता था. एक तरफ वाइल्ड एनिमल, शेर, चीते, हाथी, ऊंट, बंदर, जोकर, म्यूजिक, बीच में एक आदमी आपको चने बेच रहा है, सिंचने बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, क्या समय था. हम इतने एक्साइट होते थे. और जब वो जिमनास्ट को देखते थे डर भी लगता था यार गिर ना जाए, और नीचे जाली होती थी, जब कोई गिर जाता था हम चिल्लाते थे बचाओ, मगर देखते थे नीचे जाली है और वो बच जाती थी या बच जाता था. क्या सर्कस हॉल हुआ करता था, क्या लोग होते थे. दिल तो दहलता था लेकिन दिल खुश भी होता था. और मम्मी, डैडी, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, वो सर्कस का जमाना भी इतना मिसिंग हो चुका है, इतना मिसिंग हो चुका है जैसे हमारा ये मिसिंग पोस्टर का एक्टर. दीजिए अब दूसरा क्लू भी आ रहा है. हमारे मिसिंग पोस्टर की बहन का डेब्यू हुआ था फिल्म कहोना प्यार में. अब टाइम है टिप अन्नू का, इसलिए फटाफट SMS करो, लिखो 90 शो स्पेस या फिर 55454 पर दे दो एक मिस कॉल. अरे हमारा भाग्यशाली कॉलर हमें मिल गया, लीजिए मैं फोन लगाता हूँ. हेलो हेलो, आज के लकी कॉलर हैं आप संतोष, हाउ आर यू? ओ थैंक यू. आपका सवाल 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 क्या है मेरे भाई? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक आपने इतने सारे सुपर हिट गाने बनाए हैं, मोर देन 400 मूवीज में आपने अपने गाने दिए हैं, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग गाना कौन सा रहा है? ये तो बहुत आसान सवाल पूछा आपने मुझे. मैं बताना चाहता हूँ इसका. yes. मैं जैसे जवाब दूंगा, सबसे तकलीफ वाली और मोस्ट चैलेंजिंग रोल था मेरा एज अ कंपोजर. yes. वो फिल्म थी फिलहाल 2015 में दम लगा के हईशा. okay. मैं बताना चाहता हूँ क्यों. फर्स्ट टाइम डायरेक्टर शरद कटारिया साहब डायरेक्ट कर रहे थे, मुझे काम मिला ही नहीं 10 साल तक, मेरे पास काम ही नहीं था. और पहली बार आदित्य चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि देखो मैं तुम्हें एक फिल्म देने वाला हूँ, ये मौका मैं तुम्हें देना चाहता हूँ. और मैं बहुत अप्रोच करता था, जब मुझे ये मौका मिला तो सबसे चैलेंजिंग इस बात का हो गया कि भाई 2015 में मैं कैसे वो गाने बनाऊं जो सबके दिल को छूए, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं अन्नू मलिक इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ 90's. मगर 2015 में जहां बड़े बड़े नए नए संगीतकार आ चुके उनके बीच में मैं एक कैसा गाना बनाऊं, तो जब मुझे सिचुएशन मिली और जब मैंने मोमो के धागे बनाया तो सब उछल पड़े थे. और इस फिल्म को फिर 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, खास करके 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले इस गाने को. तो इसमें मैंने इतनी जान लगाई थी, मैं रात दिन काम कर रहा था इसके पर, 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 10 दिन नहीं लगा रहता था मुखड़े पर अंतरे पर, और तब जाके ये गाना बना और ये सुपर हिट हुआ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए इस टिप अन्नू के बाद अब क्लू अन्नू दे देते हैं. ये मिसिंग पोस्टर रियलिटी शो बिग बॉस में भी दिखाई दिए थे और इनकी क्लोज फ्रेंड थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक. ओहो यार अब तो नाम ही रह गया बोलना, बाकी तो सब पता लग गया आपको. अश्मित पटेल. अश्मित आजकल फिल्मों से जुदा हो गए, इसलिए हम मिसिंग पोस्टर के लिए उन पे फिदा हो गए. आहा अश्मित, अगर आप ये शो सुन रहे हैं तो देखो आप पर भी हमने शायरी ऐसी मारी. और अब है वक्त कहने का आपको बाय बाय, लेकिन अपने स्टाइल में भाई, यानी कि इंस्टा शायरी के साथ. इंस्टा शायरी शायरी. अब देखो इतनी शायरी मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस शो के अंदर, क्या ऐसी शायरी हो जो आपको लगी हाँ यार ये इंस्टा शायरी कमाल की आई, लीजिए आ गई
इमरान और मलिका की स्क्रीन केमिस्ट्री हर फिल्म में नंबर वन रही है। इमरान और मलिका की स्क्रीन केमिस्ट्री हर फिल्म में नंबर वन रही है, और ये बात सिर्फ अन्नु मलिक ने नहीं सारी दुनिया ने कही है। अरे बोलो ना, ठा मारा ना, शायरी से आती है जबरदस्त शायरी जब खुल जाती है अन्नु मलिक की शायरी की डायरी। ओके गाइस, सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट नाइट, एंड आई होप एंड आई प्रे एंड आई नो कि आपको ये शो हमारा बहुत पसंद आया होगा।